अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और फिट पाट होंगे। आपको अल्लाह पाक ऐसे ही खुश पाश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा छोटा सा मिनी मिनी सा ब्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। आज आपको बताऊँगी कि मेरे घर में मेरी सबसे अच्छी वाली खाला आई, खाला जो यूट्यूबर भी हैं, जिनका मैंने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था। फिर जब वो यहाँ पिंडी, आपको पता है कि वो पिंडी आई हुई हैं, तो फिर मैंने उनको अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने कहा जी आओ आप लोग भी, हालांकि वो लोग काफ़ी बेचारे थके हुए थे, लेकिन मैंने बोला नहीं आप लोग आओ, लाजमी आओ। तो वो लोग मेरे घर आए, आप लोगों ने ब्लॉग में देखना है मैंने उनके लिए क्या बनाया, किस तरह हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, किस तरह इन्जॉय किया, सारा कुछ आप ब्लॉग में देखिएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे 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 कमेंट्स करना और थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलना। आए देखिए ब्लॉग देखते हैं, वापस आते हैं, फिर गपशप करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और उसके ऊपर मैंने ये ज़ीरा स्प्रिंकल कर लिया था। वीडियो मैंने बाद में बनाना शुरू की, कोई बात नहीं। अब मैं इसमें चम्मच भर के तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट ये डालूँगी, दादर मिर्च या पिसी हुई मिर्च, मोटी मिर्च ये तकरीबन एक टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी पेपरिका तकरीबन 1। ये बेसिकली पेपरिका आप लोगों को पता ही है कि सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं हम, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें हम विनेगर डालेंगे। और फिर इसमें हम यूज़ करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के। तीन टेबलस्पून मेरे हिसाब में ठीक है, आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का बीच में इसमें मैं डालूँगी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से करें ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, और हल्का सा दही भी डाल सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है, मैरिनेशन करने के लिए तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे के लिए हम रख देंगे। ये अच्छे से मिक्सअप हो गया है, इसको मैं 1.5 से 1.25 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी। मामा वॉइस ओवर कर लूंगी बाद में। हाय हाय, ये जी हम सब बैठे हुए हैं, अब गपशप लग रही है, खाला लोग भी बैठे हैं, ये मेरी मदर बैठी हुई है, सारे हम बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। ये खाला जिनका चैनल था, और ये पीछे मोहिब साहब जो हैं वो अपने खाने में लगे हुए हैं और उनको कोई पता नहीं है, और सारे जो हैं ये मेरी मदर हैं, ये मेरी मदर आप लोगों को हाई कर रही हैं जी। और ये सारे मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी सेटिंग कर लें आप। और ये मेरी साथ कज़न बैठी है तजली, इसका भी चैनल है। और ये जी हम मैंने कहा थोड़ा सा आपको फ्राई करते हुए भी वीडियो दिखा दूँ कि मैं चिकन फ्राई कर रही थी। मुझे बाद में पता चला कि खाला लोग चिकन बोनलेस खाते ही नहीं है, ये लोग विंग्स वगैरह खाते हैं, तो लेकिन खैर मैंने तो मोहब्बत से बनाया, अपनी तरफ से कोशिश तो अच्छी की। ये सारा कुछ था, मैंने उनके लिए जो अरेंजमेंट किया था ये सब कुछ था। और ये सारे हम बैठे हुए बस अब गपशप लग रही है और साथ हम इंजॉय कर रहे हैं खाना। और ये देखें जी, होपफुली आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार करते रहें। आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। आज का ब्लॉग यहीं तक था, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हमेशा आप लोग हैं। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अल्लाह हाफिज़।